أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपने इन नौजवान साथियों से अर्ज़ करता हूं कि वीडियो बनाना बंद करें। ये दीनी मजलिस है, कोई मेला ठेला नहीं है, कोई तफरीह गाह नहीं है। तस्वीर बनाना, फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना सरासर हराम है। अभी तक हमारा दारुल इफ्ता जायज़ करार नहीं दे रहा है। अगर कोई गुनाह आम हो जाए तो किसी गुनाह के आम होने से वो चीज़ गुनाह होने से ख़त्म नहीं होती। मानता हूँ कि ये गुनाह बहुत आम हो गया, अहले इल्म भी ये गुनाह कर रहे हैं, नौजवान भी ये गुनाह कर रहे हैं, बूढ़े बड़े भी ये गुनाह कर रहे हैं, लेकिन किसी का अमल हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील है कुरान, हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी गुनाह आम हो जाने से ये नहीं होता कि वो जायज़ हो जाए। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, और आपके यहाँ नहीं, हर दीनी प्रोग्राम में ये तमाशा होता है कि वीडियो बनाया जाता है। ये सरासर गुनाह की बात है। अल्लाह को राज़ी करने आए हो या नाराज़ करके जाओ, दीन की निस्बत पर आए हो तो उस वक्त तो दीन का पूरा लिहाज करना चाहिए। कोई बात खिलाफ शरीयत नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब कोई वीडियो ना बनाए, कोई फ़ोटो नहीं खींचे। वीडियो बनाओ अपने दिमाग में बनाओ, फ़ोटो खींचो अपनी आंखों से खींचो, उलमा को देखकर तस्वीर अपने दिमाग में उतारो। इन मोबाइल से बनाने से क्या होता है, क्या हासिल है? रिकॉर्ड करो, अपने दिल में रिकॉर्ड करो, कान के रास्ते से बात को दिल में उतारो तो कोई फ़ायदा होता है। इसलिए इस गुनाह से तौबा करो। और आज के प्रोग्राम के निस्बत से मुझे कुछ ज़रूरी गुजारिशात अपने लिए और आपके लिए करनी है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और इत्मीनान रखें कि मैं बहुत ज़्यादा अब लंबी बात नहीं करूँगा। घड़ी में 8 बजने के करीब हो रहा है, और बहुत लंबी मजलिस मुझे पसंद नहीं है, तबान पसंद नहीं है। आप लोग मेरा कितनी देर तक साथ देंगे ये बताइए, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, कितनी देर साथ देंगे बताएं भाई? एक घंटा साथ देंगे या 45 मिनट? चलिए एक घंटा। मैं वक्त का पाबंद हूँ, आपने एक घंटा कहा तो इंशाल्लाह एक घंटे में ही बात पूरी करेंगे, बल्कि उससे पहले ही पूरी करेंगे। अभी आपने और मैंने बच्चों का प्रोग्राम सुना, देखा, सुनकर और देखकर हम सबको अंदाज़ा हो गया कि माशाअल्लाह इस मदरसे में तालीमी निज़ाम पुख्ता है, बहुत अच्छा है। ये हमारे और तुम्हारे ही तो बच्चे हैं। अगर इस मदरसे की गोद में ये बच्चे ना आए होते तो इनकी कहानी वही होती जो यहाँ 3 बच्चे खड़े हुए थे, पजामा फटा हुआ, कुर्ता फटा हुआ, एक दूसरे में भूसा मार रहे हैं, चौंट रहे हैं, वही कहानी इनकी होती। वो जो मुकालमा पेश किया गया है उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दीनी मदरसा क्या सिखाता है, दीनी मदरसे में क्या तोहफे दिए जाते हैं। ये मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री होती है। बच्चा आपने बनाया है, बच्चा आपने पैदा किया है, लेकिन इस बच्चे को सही माने में इंसान बनाया जाता है किसी दीनी मदरसे में। जो तराना पढ़ा गया था उसमें भी यही लफ्ज़ है, अदब, सलीका, संजीदगी मदारिस की गोद से बच्चे को मिलती है। इसलिए हम सब तय करें कि इंशाअल्लाह
अपने बच्चों को ज़रूर किसी न किसी मकतब और मदरसे में दीनी तालीम दिलाएंगे। मेरे भाइयों, हमारे ज़िम्मे इन बच्चों की तालीम और तरबियत फ़र्ज़ है। उसी मुनासबत से मैंने आयत पढ़ी है, हमारे ज़िम्मे भी इन बच्चों के हकूक़ हैं। आज सारे मुसलमान, सारे बूढ़े बड़े, मर्द और औरत, सब अपनी औलाद से परेशान हैं और सब रोना रोते हैं कि बच्चे थे, बच्चे बिगड़ गए, बेदीन हो गए। मैं ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपकी समझता हूँ और उनसे ज़्यादा आप बिगड़े हुए। आपने उन बच्चों को तरबियत कब दी? कब आपने उनको संभालना चाहा? कब आपने चाहा कि ये दीनदार बने? कभी नहीं चाहा। अच्छी तरह याद कर लेना, आपके ज़िम्मे आपके बच्चों की तालीम और तरबियत फ़र्ज़ है। इसी तरह जैसे किसी मुसलमान के ज़िम्मे नमाज फ़र्ज़ होती है, ज़कात फ़र्ज़ होती है, हज करना फ़र्ज़ होता है, दीन के और काम फ़र्ज़ हैं, ऐसे ही बच्चों की तालीम और तरबियत ये भी हर माँ बाप के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। अगर आपने इसमें कोताही की तो आप अल्लाह के बारगाह में गुनहगार हैं, कसूरवार हैं, आप अपने आप को दोज़ख़ से नहीं बचा पाएंगे। इन बच्चों के हकूक़ अदा करना लाजिम है। और बच्चों की तरबियत कहाँ से शुरू होती है? मेरा और आपका दिमाग काम करेगा जब बच्चे पैदा होकर बड़े हो जाएंगे तब से? नहीं। आपको ताज्जुब होगा, कान खोलकर सुन लीजिए, मर्द भी बैठे हैं, औरतें भी हैं। बच्चे की तरबियत का आगाज़ आपकी शादी और निकाह से पहले से है। अभी आपकी शादी भी नहीं है, आपका निकाह भी नहीं हुआ है, आप अभी दुल्हन लेकर भी नहीं आए, उस वक्त से बल्कि उसके पहले से बच्चे की तरबियत शुरू होती है। उस वक्त से आपको इस्लामी तालीम का ख्याल करना है। उसको समझने के लिए एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह हैं अपने वक्त के। और आप जानते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ मशहूर ज़माना है। उनकी तराजू बराबर तोलती है, ज़रा भी नहीं झुकती है। अशद्दुहुम फ़ी अमरिल्लाह उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह के दीन के बारे में वो बड़े सख्त हैं। वैसे नरम हैं, बहुत रोने वाले हैं, बहुत ज़्यादा झुक जाने वाले हैं, कुरान का हुक्म सुनकर गर्दन नीचे कर लेते हैं, लेकिन दीन के मामले में बड़े टाइट हैं, बड़े सख्त हैं, तबीयत नरम है। मैं आपको किस्से सुनाऊं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा मिंबर पर चढ़े तकरीर करने के लिए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनका सुनो और मानो, इस्माऊ व अतीऊ, या अरबी ज़बान में कहा उन्होंने, ऐ लोगों सुनो और सुनो कर मेरी बात मानो। बीच में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने भरे मजमे में बादशाह को, खलीफतुल मुस्लिमीन को कहा, ला नस्माऊ व ला नुतीऊ, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे और हम आपकी बात नहीं मानेंगे। बादशाह वक्त और हज़रत उमर की सख्ती, उनका कंट्रोल निज़ाम पर मशहूर था, लेकिन फिर एक आम आदमी को ये जुरत हो रही है कि वो खड़े होकर यूँ कहता है कि हम आपकी नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। हज़रत उमर ने पूछा, भाई क्यों नहीं सुनोगे और क्यों नहीं मानोगे? उन्होंने कहा, पहले ये जवाब दो कि ये आपके बदन पर दो चादरें क्यों हैं? सारे मुजाहिदीन को, जंग लड़ने वालों को माल गनीमत में से एक एक चादर मिली है, आपके पास दो क्यों हैं? इसका मतलब ये है कि आपने इंसाफ से बंटवारा नहीं किया है, अपने लिए ज़्यादा ले लिया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़बान से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इरशाद फरमाया, मजमे में मेरा बेटा अब्दुल्ला है, हज़रत उमर के बेटे का नाम अब्दुल्ला, जिनको आप इब्ने उमर कहते हैं, मजमे में मेरा बेटा है, अब्दुल्ला है। तो हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए और हज़रत उमर ने फरमाया, तुम जवाब दो, जवाब तुम दो। तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने, हज़रत उमर के बेटे ने जवाब दिया कि मेरे अब्बा के बदन पर जो तुम्हें दो चादरें नज़र आ रही हैं वो इस तरह हैं
कि एक मेरे अब्बा की है और दूसरी चादर मेरी है, जुमा पढ़ाने के लिए मेरी चादर ओढ़ कर वो आ गए हैं, इसलिए दो चादर नज़र आ रही हैं। हिस्से में उनको भी एक ही मिली है, जैसे सारे मुसलमानों को एक एक मिली है। तब उस आदमी ने कहा, अलान नस्मउ व नुतीउ, हाँ हजरत अब हम आपकी सुनेंगे और मानेंगे। ये किस्सा सुनाकर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सख्ती मशहूर है, लेकिन इतने ही नरम भी हैं, सुनने वाले हैं। उनके दरबार में इतनी खुली आज़ादी है कि एक आम आदमी खड़ो कर एतराज़ करता है। हजरत उमर मिंबर पर तकरीर कर रहे हैं और कहने लगे, ए लोगो, अगर उमर टेढ़ा चलेगा तो क्या करोगे? अगर उमर रास्ते से हट जाए तो तुम क्या करोगे? मैं फुल पावर हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मैं बादशाह हूँ, अगर मैं टेढ़ा चलूँगा तो क्या करोगे? इस ज़माने में औरतें भी मस्जिद में आती थी जुमा पढ़ने के लिए, तो पीछे से एक बुढ़िया खड़ी हुई, हाथ में मिसवाक थी, और उठा कहने लगी, उमर अगर टेढ़ा चलेगा इस मिसवाक से सीधा कर दूँगी, इस मिसवाक से तेरी पिटाई करूँगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह अभी मेरी रियाया में, मेरे मातहत लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे भी सीधा कर सकते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये उनका दरबार था, ये उनका इंसाफ था, वो अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ भी हक बात को सुनते थे। जब वो अमीरुल मोमिनीन बनाए गए, खलीफा बनाए गए, तो मिंबर पर खड़ा होकर जो उन्होंने तकरीर की उसमें ये भी था, फरमाया जो मुझको मेरे ऐबों का तोहफ़ा देगा वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। जो मुझको मेरे ऐबों का तोहफ़ा दे, क्या मतलब? जो मुझे ये बताते रहे कि हजरत आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये ऐब है, आपके अंदर ये गुनाह की बात है, आप ये नाइंसाफ़ी करते हैं, जो मुझे मेरे ऐबों का तोहफ़ा देगा वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। लेकिन दूसरी तरफ उनका इंसाफ बिल्कुल बराबर झुकता था, कहीं यानी झुकाव नहीं, पूरा पूरा तोलते थे। तो हजरत उमर के दरबार में एक शख्स आया और उसने अपने बेटे की शिकायत की, अपने बेटे का रोना रोया, कहने लगा, मेरा बेटा जवान हो गया है, मुझे पूछता तक नहीं है, मेरी खिदमत नहीं करता है, मेरी बात नहीं मानता है। हजरत उमर का दरबार, वहाँ शिकायत की जाए, इंसाफ के अलावा और किस चीज़ की उम्मीद लगाई जा सकती थी? हजरत उमर तेश मांगे, गुस्से मांगे, और कहा उससे, जाओ बुला कर लाओ अपने बेटे को। बाप गया और अपने बेटे को बुला लाया, और हजरत उमर ने अब डांटना शुरू किया उस लड़के को, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया है, तुझे बड़ा किया है, खिलाया और पिलाया है, तुझे शऊर सिखाया है, और आज तू ऐसा हो गया है कि अपने बाप की खिदमत नहीं करता, इताअत नहीं करता। खूब झड़ा। बेटे ने कहा, हजरत मेरे चंद सवालात हैं, आप उनका जवाब दीजिए और फिर जो आप कहना चाहें कहिए। हजरत उमर ने फरमाया, क्या है? कहने लगा, आप ये बताइए, क्या मेरे ही ज़िम्मे माँ बाप के हुकूक हैं या माँ बाप के भी ज़िम्मे कुछ हक होते हैं औलाद के? माँ बाप जो कहते रहते हैं हमारा हुकूक नहीं मान रहा, हमारी इताअत नहीं कर रहा, हमारी फर्मबरदारी नहीं कर रहा, क्या औलाद पर माँ बाप के ये हुकूक होते हैं या औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप पर होते हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं नहीं, औलाद के भी हुकूक हैं माँ बाप पर। माँ बाप को चाहिए कि उन हुकूक को पूरा करें, माँ बाप के ज़िम्मे भी कुछ हुकूक हैं। बेटा ने कहा, अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या हुकूक हैं वो भी गिनवा दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा कि मैं अब्बा की क्यों नहीं मानता। हजरत उमर ने फरमाया, हुकूक तो बहुत हैं, लंबी फहरिस्त है, कहाँ तक गिनवाऊँगा? मोटे मोटे तीन हक होते हैं, आज के बयान में आप भी इन तीन हक को सुनो और अदा करो। तीन मोटे मोटे हुकूक हैं, माएँ हमारी माएँ और बहनें बैठी हों तो ध्यान से सुने और आप भी ध्यान से सुने। तीन मोटे मोटे हुकूक हैं, यूँ तो बहुत हैं। सबसे पहला हक ये है कि मर्द जब निकाह करने का, शादी करने का प्लान बनाए, ख्याल लाए, तो नेक सालेह लड़की अपनी बीवी बनाने के लिए तलाश करे। ये पहला हक है औलाद का, यानी अपनी औलाद जो जनवाएगा वो पैदा करेगा, किसी फाहिशा से नहीं, बेहया औरत से नहीं, बेदीन औरत से नहीं, किसी पारसा और नेक तबीयत अच्छी मुसलमान खातून से अपनी औलाद को पैदा करवाए। ये पहला हक है औलाद का।
और हम यहाँ सब पिट जाते हैं, इसी पहले नंबर पर फेल हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से निकाह आदतन लोग चार बातों की वजह से करते हैं। आदतन जो लोगों में रिवाज है, तरीका है, चाल चलन है, आदतन लोग निकाह चार बातों की वजह से करते हैं। नंबर एक, लिहसबिहा, बल्कि उससे पहले लिमालिहा, उसके माल की वजह से। सबसे पहले लोगों की निगाह माल पर जाती है, कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से गाड़ी मिलेगी, कहाँ से ज़्यादा सामान मिलेगा। तो लोगों का इंतखाब, लोगों की छटाई कहाँ से शुरू होती है? उस औरत को तलाश करते हैं जहाँ से जहेज ज़्यादा मिल जाता हो। और हमारा और तुम्हारा माशरे में ये बात बिल्कुल खुली है, आम है। नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि आम तौर से लोग शादी जब औरत से करते हैं तो चार बातें होंगी। नंबर एक, माल की वजह से औरत से निकाह करेंगे कि मालदार है तो जहेज आएगा, सामान आएगा, गाड़ी आएगी, इसलिए करते हैं। और सुनो कान खुल कर, दरमियान में, जहेज लेना हराम है, देना भी हराम है। तुम्हें किसी ने बताया हो या ना बताया हो, मैं बताकर जा रहा हूँ। और जिसको परेशानी हो कि मौल साहब ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी, तो हवाले भी मुझसे ले लेना, मैं भी हवाले बात नहीं करता हूँ कभी। उलमा भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे भी मौजूद हैं, यही मजमे में कोई खड़ो के मुझसे सवाल कर सकता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बात, कहाँ है इसकी दलील, मैं आपको जवाब दूंगा। जहेज का लेना और देना दोनों हराम हैं। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कहोगे, दीनदार भी तो ले रहे हैं, मदरसों वाले भी तो ले रहे हैं, दावत और तबलीग वाले भी तो ले रहे हैं, तो उसका मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ, किसी भी इंसान का कोई अमल हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील है कुरान, हमारे लिए दलील है हदीस, हमारे लिए दलील है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हमारे लिए दलील है सहाबा इकराम का अमल, उसके बाद किसी इंसान का कोई अमल दलील नहीं। चाहे वो हजरत जी हो, हजरत जी से भी गुनाह होते हैं, मुहद्दिस से भी गलतियाँ हो सकती हैं, दावत और तबलीग वाला भी ख़ता कर सकता है। तो नबी और नबी के सहाबा, कुरान और हदीस, इसके बाद किसी का कोई अमल दलील नहीं। वो दलील है जो कुरान में लिख रहा है, वो दलील है जो नबी ने बात इरशाद फरमाई, दलील वो है जो नबी ने करके दिखाया। और सुनो, हमारे इलाके मेवात में जहेज लेने की तीन सूरतें हैं, या यूँ कहो कि जहेज लेने और देने की तीन शक्लें बनती हैं, और तीनों एतबार से मसले की क्या नौईयत है वो भी सुनो। पहली शक्ल ये है कि जहेज मांग कर लेना, जैसे कि हमारे मेवात में है, आप खुद कहते हैं या कहलवाते हैं, या उल्लू का पट्टा कहता है जाके, कौन है उल्लू पट्टा, हैं बिचौलिया, या मतलब जानो तंबे हो, बताने की जरूरत ना, पिछाड़ो तंबे हो कि देख हैसियत है वाकई। ये जो बिचौलिया है ये गधा है, क्यों गधा है साहब, ये अपना बोझ भी अपनी कमर पर रखता है और सामने वाले का बोझ भी अपने ऊपर रखता है, और जो बोझ उठाता है वो गधा होता है। ये खुद भी डूब रहा है, दूसरे को भी लेके जा रहा है, खुद भी गुनाह कर रहा है, गुनाह करवा रहा है, तो गधा नहीं तो और क्या है, झूठ बोलेगा, इधर भी लगाएगा उधर भी लगाएगा, जहेज लेना देना हराम उसको करवाएगा, ये गधा ही तो है। तो जहेज लेने और देने की पहली शक्ल ये है कि आदमी मुतालबा करे, मांग कर ले, चाहे ज़बान से खुद कहे या किसी रिश्तेदार से कहलवाए या बिचौलिया जाकर कहे, ये सूरत सरासर हराम और नाजायज है, कोई गुंजाइश नहीं। उलमा बैठे हैं, बड़े लोग भी बैठे हैं, वो तायद करेंगे। और दूसरी सूरत ये है, मांगा नहीं, न खुद अपनी ज़बान से कहा, न बिचौलिया से कहलवाया, न रिश्तेदारों से कहलवाया, लेकिन उम्मीद लगा के बैठ रहा, भाई कुछ तो मिलेगा, इलाका में रिवाज है लेने देने का, बात मारूफ हो चुकी है, उसके बगैर तसव्वुर ही नहीं शादी करने का,
मांग नहीं रहा है, कहलवा भी नहीं रहा है, लेकिन दिल में चोर है और ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ भाई कुछ तो मिलेगा ही। और उधर लड़की वाला ये समझ रहा है कि अगर मैंने नहीं दिया तो मेरी बच्ची का गुजारा मुश्किल है, सास तानों से मार देगी, वहाँ नहीं रह पाएगी, उसकी इज्जत वहाँ नहीं होगी, हो सकता है बच्चे आगे चलकर खुदकुशी कर ले। अब वो बेचारा लड़की वाला दे रहा है, इसने मांगा नहीं लेकिन दिल में चोर है, ये सूरत भी हराम और नाजायज़ है। बताओ यही सूरत हमारे मेवात में है कि नहीं? पहली सूरत भी है मांगने की, और अगर कोई बहुत दीनदार बनता थी वो कहता भाई मौल साहब मांगा थोड़ी हमने, बेशक नहीं मांगा, लेकिन इलाके का रिवाज ऐसा बन गया है कि तेरे दिल में भी चोरी थी और वो बेचारा लड़की वाला मजबूर था कि न देता तो वो समझ रहा था गुजारा नहीं हो। और दिल में चोरी रहती है इसकी क्या दलील है? हम भुगते बैठे हैं, मौल साहब वलीमा की दावत है आ जाए, भाई ज़रूर आएंगे, वलीमा की दावत कबूल करना सुन्नत है, ज़रूर आएंगे। जब शादी हो गई, लड़की रुखसत होकर आ गई, कोई चर्चा नहीं, कोई बात सुनने में नहीं आया, फ़ोन किया भाई कितने बजे आना है, भाई मौल साहब वलीमा कैंसर हो गए, कायलू कैंसर हो गए, दूसरा पूछ लूँ कि मिलो मिलो कुछ रहा है हमारा कैंसर। ये सब कहानी होती है, फर्जी बात नहीं है। पहले उम्मीद थी मिलने की, ये हमारे वलीमा की दावत, मौल साहब तू भी आ जाए, फलाना भी आ जाए, अब धैर्य पूरी ना कर रहो, अरे भाई किस वक्त आना है, अजी कैंसर से हो, अब कहीं और से पूछे हैं, फिर हम भैया भाई क्या बात हुई, अनु जी उम्मीद थी मिलने मिलने की, मिला नहीं इसलिए उसने कैंसिल ही कर दी, गुस्से में दिल में चोरी थी। तो ये दो सूरत हराम है। और तीसरी सूरत ये है कि लोग जानते ही नहीं कि जहेज क्या चीज़ है, वाकिफ ही नहीं, और ये चीज़ हमारे मेवात में नहीं है। अगर किसी इलाके के मुसलमान जानते ही नहीं कि जहेज क्या होता है, न लड़के वाले के दिल में कोई चोरी है, न लड़की वाला मजबूर है, उसको पता ही नहीं, बस वैसे ही खुशी में वो कुछ दे दे तो शरअन गुंजाइश है, लेकिन हमारे मेवात में ये तीसरी सूरत है ही नहीं। सब जानते हैं जहेज क्या होती है, बल्कि हर एक तमन्ना लगा बैठा रहता है, भावताव करते हैं, वो तो एक सूरत है। अगर कोई लोग इलाके में ऐसे मुसलमान रहते हों जो जानते ही नहीं जहेज क्या है, बच्ची वाले के जहन पर कोई दबाव ही नहीं है, लड़के वाले के दिमाग ख्याल भी नहीं आया कि कुछ आएगा, और फिर कोई अपनी बच्ची को दे तो दे, क्या हर्ज की बात। इसलिए जहन बनाओ कि जहेज का लेना और देना दोनों हराम हैं, कोई गुंजाइश नहीं, चाहे मदरसे वाले ले रहे हों या दावत और तबलीग वाले ले रहे हों, दीनदार ले रहे हों, पगड़ी वाले ले रहे हों, हाजी साहब ले रहे हों, सब गुनाह कर रहे हैं। और गुनाह गुनाह होता है, किसी गुनाह के आम होने से वो गुनाह गुनाह होने से ख़त्म नहीं होता, जैसे फ़ोटो के बारे में मैंने कहा। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, मौल साहब बेटी लू दे का लू हराम भाई, हमारी बच्ची हम खूब देंगे, तुम कौन होते मना करने वाले? जवाब ये है कि हम कब मना कर रहे हैं आपको, खूब दो, हम कब मना कर रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम गुजार दो, थोड़ा सा वक्त निकल जाने दो, जैसे सूरज निकल रहा हो तो नमाज़ पढ़ना मना है, थोड़ा सा बुलंद हो जाने दो नमाज़ पढ़ो, सूरज डूब रहा है तुम देख रहे हो कि ठीक है गायब हो रही है नमाज नहीं पढ़ सकते पाबंदी है, पढ़ोगे तो हराम है, सूरज डूब जाने दो खूब पढ़ो, मगरिब की भी पढ़ो, उसके बाद सुन्नत भी पढ़ो, अवाबीन पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, कौन रोकता है। ऐसे ही ऐन शादी के मौके पर कुछ लेना देना, ये सूरज उग रहा है डूब रहा है इस वक्त जायज़ नहीं है, थोड़ा सा टाइम गुजर जाने दो, करोड़ों में दो कोई नहीं रोकेगा, आपकी बेटी है, जो दामाद बन गए वो आपका बेटा है, अपने बच्चों को नहीं देंगे तो किसको देंगे, थोड़ा सा वक्त गुजारो, कितना वक्त गुजारें, जब बात पुरानी हो जाए, बच्ची आनी जानी शुरू हो जाए, एक आध बच्चा बच्चा भी हो जाए, फिर वो न्याली होएगी अलग होएगी, बाप गाड़ी की ज़रूरत है घनी दूर पैदल जाना पड़े, अरे बेटी ले गाड़ी ले लो खुद दो कौन रुकेगा आपको, बाप खाट पर कड़ी दुख है बेड की ज़रूरत ले बेटे बैठ ले दो, अब ज़रूरत पड़ती रहे पूरी ज़िंदगी दो कोई नहीं रोक रहा, लेकिन उस वक्त देना वो नाजायज़, उस वक्त नमाज़ पढ़ना हराम है, सूरज डूब रहा है उस वक्त नमाज़ पढ़ना हराम है, वक्त गुजरने दो जायज़ हो जाएगा, ज़िंदगी भर वक्त मौजूद है, अपनी बच्चियों को दो अपने दामाद को दो कोई नहीं रोकता, लेकिन इस वजह से देना कि अगर नहीं दूंगा तो बच्ची का गुजारा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे,
लोग तानों से मार देंगे, इस वजह से देना ये हराम। अब दलील सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु मालु इम मुस्लिमिन इल्ला बितीबी नफ्सिही। यह हदीस सुना रहा हूँ, किसी भी मुसलमान का माल पैसा खुश दिली के बगैर जायज़ नहीं होता। कोई दबाव अगर दिमाग पे है इसलिए वो खर्च कर रहा है, जायज़ नहीं रहता। और जहेज़ का लेना देना इसी वजह से ना जायज़। मज़ीद अगर हवाला चाहिए उलमा को तो किताबुल फतावा, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी लिखी हुई है किताबुल फतावा, जिल्द नंबर 4 में जाकर ढूंढ लेना, जो तफसील मैंने आपको सुनाई है वही मिल जाएगी। और अगर फहरिस्त लंबी करूंगा तो बात बहुत दूर जाएगी। ये बैठ जाए भाई, ये परेशान क्यों घूम रहे हैं, आवाज़ ना करें। एक घंटा तो मैंने आपसे मांगा ही है, एक घंटा तो आप साथ देंगे ही मेरा। शादी के मौके पर जो आप मस्जिदों में सामान लाते हैं, सफ ला रहे हैं, कूलर ला रहे हैं, माइक की मशीन ला रहे हैं, और अब तो बहुत मेहरबान हो गए हो तुम लोग, एसी भी ला रहे हो, जनरेटर भी ला रहे हो, ये भी नाजायज़ है, हराम। अरे भाई, अल्लाह के घर में सामान देना क्यों हराम, अल्लाह का घर है। सवाल ये है कि अल्लाह का घर इसी गांव में है या उस गांव में भी है, बोलो। अल्लाह का घर तो उस गांव में भी है ना, ये इसी गांव में क्यों है जहां बारात आई चढ़कर। अल्लाह का घर तो रास्ते में भी बहुत आए थे, अल्लाह का घर तो जो दुल्हा बनकर आ रहा उसके पड़ोस में भी था, इसी गांव में लाकर क्यों दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि जितना अच्छा सामान लाएगा और ज़्यादा लाएगा जवाब में उतना ही मिलेगा। ये रिश्वत ला रहा है कि नहीं ये बात। और जब तुम बैठो ना ठोंडे से पगड़न बांध बांध के दाढ़ी लटका के, मैं कहा देना चाहिए, अब वो छोरी वाले मजबूर करोगे, इतना ला कर यहीं से ला, तो अपने ना तो हम दे देंगे, हाँ बाद में तुम मांगोगे ही ना। तारी सब बात नहीं जानूँ मैं तारी कौम में से कोई बाहर का ना हूँ, कोई यूपी से ना, यूपी तो खैर तुम बैठे हो कब बुरा मान जाओगे, मेवात कहीं हूँ मैं, तुम में से ही हूँ, तुम्हारा ही बच्चा हूँ, सब बातों को जानता हूँ। अब बैठोगे 15-20 छोरी वाले रिर आएगा, ना ये कर, अरे ना नाक कटवाएगा तेरे पे, ना तो हम दे देंगे, ऐसे करते हैं। अब ये जो 15-20 बैठे हुए हैं तो पूछे ये कहाँ लाए मस्जिद में, फलान लाए, सब भी लाए, वह भी लाए, जनरेटर ना लाए, इन्वर्टर ना लाए, ऐसा रख कम कर दी, कर देते हो नहीं कम। ये कटौती ना हो इसलिए वो मस्जिद के लिए सफ़ लेकर आया है, इसलिए वो माइक लेकर आया है, इसलिए वो जनरेटर लेकर आया, नाजायज़ हो गया, रिश्वत लेकर आया। अल्लाह के घर के लिए ले रहा है तो उसके गांव में भी अल्लाह का घर मौजूद है, वहाँ क्यों नहीं दिया। अल्लाह का घर तो रास्ते में भी बहुत आए थे, वहाँ क्यों नहीं दिया। ये अल्लाह के घर के लिए नहीं लाया है, वो जहेज़ के लिए लेकर आया, वो कीमत पेश कर रहा ताकि उधर से अच्छा मिल जाए। तो इस बात को मैं यही रोक रहा हूँ, हदीस सुना रहा था, नबी ने इरशाद फरमाया कि औरतों से निकाह 4 बातों की वजह से किया जाता है। पहली बात माल, इस माल की तलाश में घूमते हैं लोग, जहेज़ पैसा कहाँ से आएगा। नंबर 2 वली हसबिहा, लोगों की दूसरी पसंद, लोगों का दूसरा ध्यान जाता है ऊंचे ख़ानदान पर, बड़े ख़ानदान की होनी चाहिए, बड़े बाप की बेटी होनी चाहिए ताकि हम भी बड़े घर के दामाद बन जाएंगे। मिनिस्टर की बेटी है, चौधरी की बेटी है, बड़ी ख़ानदान की है तो हमारी भी तो कुछ इज्जत बनेगी, इसलिए लोग रिश्ता करते हैं। और तीसरी पसंद वली जमालिहा, औरत या लड़की की खूबसूरती की वजह से। माल की वजह से लड़की ढूंढना हराम, हसब और नसब को इतनी अहमियत देना वो भी नाजायज़, खूबसूरती की वजह से करना जायज़। ठीक है भाई, आपको पसंद आ गई बच्ची, अच्छी लग रही है, कीजिए रिश्ता। और चौथी चीज़ जो नबी ने इरशाद फरमाई, इरशाद फरमाया चौथी चीज़ है दीन। लोग या तो माल की वजह से शादी करेंगे या हसब की वजह से यानी बड़े ख़ानदान की वजह से या खूबसूरती की वजह से या दीन की वजह से। और मैं रुक कर कह दूं, आज पूरी मेवात में बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया में 1% इस्तेसना कर सकता हूं, कोई नहीं है जो दीन की वजह से शादी करता, कोई नहीं है।
कोई नहीं पूछता बच्ची नमाजी है कि नहीं, बच्ची पर्दा करती है कि नहीं, बच्ची शर्म हया वाली है कि नहीं, इसके माँ बाप हलाल कमाते हैं या हराम कमाते हैं, वो नमाज के पाबंद है कि नहीं, घर का माहौल कैसा, कोई तलाश नहीं करता। बल्कि यूँ तो पूछेंगे कि देख पैसा कमाओ है, पार्टी वार्टी ठीक ठाक है, ये पूछेंगे। लेकिन ये कोई नहीं पूछता दीन कितना इस घर में, पर्दे का निज़ाम है कि नहीं, नमाज रोज़े के पाबंद है कि नहीं, भाई इस बहाने से हमारे घर में भी दीन आ जाए, कोई नहीं पूछता। अब नबी की बात सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन तरीबत यदा का, ए मोमिन ए मुसलमान ए नबी के आशिक, दीनदार लड़की से निकाह करके कामयाब हो जा, और अगर तू इसको तरजीह नहीं देता है और पहली तीन चीज़ों को अहमियत देता है तो तेरे दोनों हाथ मिट्टी में गए। तरीबत यदा का, खाका लूद हो जाए, तू नाकाम हो जाए, और जिसको नबी नाकाम कह दे तो नाकाम ही देखेगा। जितनी बड़ी शादियां होती हैं साल पूरा नहीं होता उससे पहले पहले इख्तिलाफात, लड़ाई और झगड़े, केस, रिश्ते टूटने की नौबत आनी शुरू हो जाती है, और जहां दीन को मुकद्दम करके निकाह किया गया होगा, शादी की गई होगी, अल्लाह के शुक्र से वो बात निभती है और आगे चलती है। तो मैं किस्सा सुना रहा था, हज़रत उमर का ज़हन में रखना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक बूढ़ा आदमी आया और अपने बेटे की शिकायत कर रहा है। हज़रत उमर ने बेटे को बुलाया, डांटा। बेटे ने कहा सिर्फ माँ बाप के ही हक होते हैं या औलाद का भी कुछ हक होता है माँ बाप के ज़िम्मे? तो हज़रत उमर उन हकूक़ को गिनवा रहे हैं, फरमा रहे हैं पहला हक ये है कि जब निकाह करना चाहे कोई लड़का कोई मर्द तो नेक साले दीनदार लड़की ढूँढे। अपना बच्चा पैदा करवाने के लिए ज़मीन अच्छी तलाश करो। अगर गंदी ज़मीन है आप शानदार बीज गंदी ज़मीन में डाल दीजिए, बीज ही ख़राब हो जाएगा, फसल थोड़ी हाथ में आएगी। समझ रहे हैं आप तो सब ज़मींदार हैं। अगर खार वाली ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, अच्छा सा अच्छा बीज लाइए और वहाँ डाल दीजिए, नहीं उगेगा। बिल्कुल इसी तरह अपनी औलाद की खेती का बीज डालने के लिए नेक और साले ज़मीन लाइए, शानदार बीज उगेगा, वली पैदा होगा, आपके लिए फातिहा पढ़ने वाला पैदा होगा, आलिम और मुहद्दिस बनेगा। और अगर ज़मीन ही गंदी है तो गंदी ही फसल बाहर आएगी, तुम्हें जूतों से मारने वाली फसल बाहर आएगी, तुम्हें तौहीन करेगी, तुम्हारी जल्लत करेगी, तुम्हें निकम्मा कर देगी, नंगा कर देगी मुआशरे में, वो फसल तैयार होगी। इसलिए हज़रत उमर फरमा रहे हैं जिस लड़की से निकाह करना चाह रहे हो पहले देखो कि वो दीनदार है या नहीं, ये औलाद का एक हक है। अभी औलाद पैदा भी नहीं हुई है, उसके पैदा करने से पहले ये हक है कि उसकी माँ जिसको तुम बना रहे हो वो दीनदार। और दूसरा हक ये है, हज़रत उमर फरमा रहे हैं दूसरा हक औलाद का माँ बाप के ज़िम्मे ये है कि उसका अच्छा सा नाम रखे। नाम का भी असर पड़ता है, नाम का भी असर पड़ता है। बीच में रुककर मैं तुम्हें सुना दूँ एक लतीफ़ा। हमारे वाली साहब नवरल्लाहु मरकदहु हज़रत मौलाना कासिम मील खेड़ला, नाम तो सुना ही होगा, अक्सर उन्हें ज़ियारत भी की होगी और सब अच्छे नाम से याद करते हैं, सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन उनके इतने बड़े बनने में अल्लाह का फजल तो था ही, इनाम तो था ही, लेकिन माँ बाप का दखल था। हमारे दादा हज़रत मौलाना अय्यूब साहब जो हमारे वालिद के वालिद हैं, मौलाना अय्यूब साहब मियाजी मूसा के बड़े लड़के, वो फरमाया करते थे कि जब कासिम पैदा हुआ था, मेरे वालिद का नाम कासिम, जब कासिम पैदा हुआ था तो मैंने इसका नाम कासिम रखा था कासिम नानौतवी की नियत करके। ये उलमा समझ जाएंगे, जिसने देवबंद का मदरसा बनाया है जहाँ के पढ़े हुए सारी दुनिया में हैं और हिंदुस्तान में इस्लाम जो नज़र आ रहा है वो देवबंद की बरकत है। तो फरमाया करते थे हमारे दादा मैंने कासिम का नाम कासिम नानौतवी की नियत करके रखा था, तो वो एक कासिम नानौतवी था एक कासिम मेवाती था। नाम का असर पड़ता है। हज़रत उमर यही कह रहे हैं कि दूसरा हक औलाद का माँ बाप के ज़िम्मे ये है कि उसका अच्छा सा नाम रखें। और हम क्या नाम रखते हैं, अभी तो कह रहा हूँ झड़मल और खुटमल और बुद्धू और नत्थू, क्या नाम रख दिया तुम लोगों ने, नत्थू ही रहेगा वो। और बहुत ज़्यादा अच्छा नाम रखोगे तो साहून, कुरान माए पढ़ो साहून,
तो कुरान में तो फिरौन भी है, रखो ना। कुरान में तो कारून भी है, रखो ना। कुरान में तो शैतान का लफ्ज़ भी है, रखो ना। कुछ तो समझ से काम लिया करो। ये मौलवी क्यों है, किस काम के लिए है ये? अगर तुम इतने बड़े फकीह हो, इतने बड़े समझदार हो कि कुरान में से खुद ही नाम निकाल लिया, फिर इन मुलाजिम की ज़रूरत कहाँ है? गोली मार दो सबको एक तरफ से, फालतू है भाई, तुम तो मुज्तहिद हो, खुद निकाल लेते हो। अरे कुरान में तो सकर का नाम भी है, सकर दोजख को कहते हैं, रखो अपने बेटे का नाम दोजख। फिरौन भी है, कारून भी है, आमान भी है, शद्दाद भी है, सबका नाम है कुरान में। पूछो तो सही इसका माना क्या है, ये नाम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? साहून नाम रखोगे, साहून का मतलब क्या है मालूम है? गाफिलून, जो दीन से, अल्लाह से, रसूल से, कुरान से गाफिल हो, वो नाम तुमने बेटे का रखा तो वो गाफिल ही रहेगा। साहून ऐ गाफिलून, उठा के देखो जलाने, गफलत करने वाला, दीन से बेपरवाह, ये माना होता है। और अगर तुम लोगों ने गलत नाम रख ही दिया है तो इस्लामी हुकुम ये है कि जब मालूम हो जाए तो उस नाम को तब्दील करना चाहिए। ये नबी की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत से नाम बदले थे सहाबा किराम के। अगर गलती से जहालत में तुम लोगों ने ऐसा नाम रख दिए हैं तो मौलवी से मशवरा करो, अगर वो नाम गलत है उस नाम को तब्दील करो। क्या नहीं हो सकता, अजीज आप आई डी बन गई, फला बन गई, आई डी भी बदल जाती, वहाँ भी चेंजिंग हो जाती। कोई लोहे महफूज से आया हुआ कुरान थोड़ी है कि अब दोबारा नहीं बदला जाएगा, सब कुछ बदला जा सकता। दिमाग पर लेने की बात। तो हज़रत उमर कह रहे हैं पहला हक ये है कि जिसको माँ बना रहे चाह रहे हो बच्चे के लिए वो दीनदार हो, दूसरा हक ये है कि बच्चे का अच्छा नाम रखो, और तीसरा हक ये है कि बच्चे को माँ बाप कुरान की तालीम दें। ये तीन मोटे मोटे हक हज़रत उमर ने गिनवाए। अब वो लड़का चढ़ बैठा और कहने लगा हजरत ये मेरा बाप बैठा हुआ है, इससे पूछो इन तीन हक में से इसने कौन सा हक अदा किया। इसने जिस औरत को मेरी माँ बनाया है वो एक बांदी है, 400 दिरहम में ख़रीद कर लेकर आया था, 400 उस वक्त गुलाम बांदियाँ बेचते थे, एक बांदी है वो, कोई आज़ाद औरत नहीं है, ख़रीद कर लाया है, और वो फाहिशा है जिसको हम रंडी कहते हैं, वो औरत है, उससे तो मैं ही पैदा होऊंगा, कोई अबू बकर थोड़ी पैदा होगा। और हजरत इससे पूछो इसने मेरा नाम क्या रखा है, वो लड़का कह रहा है इससे पूछो इसने मेरा नाम क्या रखा है, इसने मेरा नाम रखा है जुअल, जीम ऐन लाम जुअल, और जुअल का माना आते हैं गोबर का कीड़ा। जब गोबर तुम्हारे यहाँ भैंस गोबर कर दिए एक दो दिन पड़ रहे तो उसमें कीड़ा पड़ जाता, उस कीड़े को अरबी में जुअल कहते हैं, इसने मेरा नाम जुअल रखा है। और हजरत इससे पूछो इसने मुझे कुरान कितना सिखाया, एक हरफ भी इसने मुझे कुरान का नहीं सिखाया है। जब इसने मेरे हक अदा नहीं किए हैं तो ये मुझसे क्यों उम्मीद लगाता है कि मैं इसके हुकूक अदा करूँगा? तो हजरत उमर का गुस्सा पलट गया और बाप से कहा उठ यहाँ से, तुझे अपने औलाद से कोई हक मांगने कोई हक नहीं बनता है, उठ यहाँ से। तो वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने अपने औलाद के हुकूक अदा नहीं किए हैं तो तुम्हारा ये रोना गलत है कि हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं। तुमने मनवाने का सामान ही कहाँ किया था, तुमने तो जहेज के लिए शादी की थी, तुमने तो बड़े ख़ानदान में शादी की थी, तुमने कब शादी की इस नीयत से कि बच्चा नेक पैदा हो, मेरे घर में कोई वली सफ़त बच्चा पैदा हो जो मेरी आखिरत और दुनिया का सामान बन जाए, कब सोचा, नीयत भी नहीं की तुम लोगों ने, और रोना रोते हो हमारे बच्चे मानते नहीं मानते नहीं। तुम्हारा बीज ही ख़राब है, तुम्हारी ज़मीन ही ख़राब है, तुम्हारी नीयत ही ख़राब है, तो अच्छी फसल कहाँ से आएगी? इसलिए इन हुकूक को अदा करो और पहचानो क्या चीज़ होती है औलाद। और दीन सिर्फ चंद बातों के पर अमल करने का नाम नहीं है, इन सब चीज़ों को अदा करने का नाम भी दीन। अगर तुमने औलाद की तरबियत की, अच्छी औलाद पैदा की, पढ़ाया लिखाया, तो अल्लाह की कसम ये औलाद आपके लिए नजात का सामान बनती है। टाइम क्या हो गया भाई, 8:30 हो रहे हैं, बैठो रहो बस 15-20 मिनट में इंशाल्लाह, आने जाने की फिजा न बनो। ये तो ये जलसे वाले हैं जो टाइम ख़राब करते हैं, मेरा भी और अपना भी। क्यों 8 बजे तक प्रोग्राम इन्होंने इतना लंबा किया? मगरिब के फ़ौरन बाद बातचीत शुरू होती तो 1.5 घंटा बात करते मैं आपसे।
लेकिन जितना इन्होंने कम कर दिया उतना कम करूँगा, ये तो मेरा हाथ में, इसमें थोड़ी मजबूर करेंगे मुझे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर औलाद की अच्छी तरबियत की आपने, पढ़ाया लिखाया दीनदार बनाया, तो ये औलाद आपकी नजात का, जन्नत में जाने का सामान है। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, बस उसका तर्जमा कर रहा हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल बंद हो जाता है। बिल्कुल पक्की बात है, समझ में आ रहा है। जब जिंदा था तो नमाज भी पढ़ सकता है, तिलावत भी कर सकता है, चिल्ला चार महीने में भी जा सकता है, तस्बीहात भी पढ़ सकता है, सदका खैरात भी कर सकता है, हज़ारों नेकी कर सकता है। जब सांस बंद हो गया, रूह निकल गई, अब कोई अमल नहीं कर सकता। ये नबी ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाए तो अमल ख़त्म, मगर इल्ला मिन सलास, तीन अमल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उनका फ़ायदा मरे हुए आदमी को पहुंचता रहता है। कितना खुश नसीब है वो इंसान जो कब्र के अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उसको अपने उस अमल का सवाब मिल रहा हो जिसको वो ज़िंदगी में करके गया, कितना खुश नसीब होगा। वहाँ एक एक नेकी की कदर हो जाती है। डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा, कब्र में अकेला पड़ा हुआ, कोई पुरसान हाल नहीं है, अब फिर वहाँ तोहफे पहुँच रहे हों, सवाब पहुँच रहा हो, उसके अजाब उसकी वजह से हट रहे हों, तो कितना खुश होता हो। सब नियत करें कि इंशाअल्लाह हदीस में जो तीन काम आ रहे हैं उनको हम ज़िंदगी में करें, ताकि मरने के बाद काम आए। क्या क्या काम है? इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। नंबर एक, आदमी अपनी ज़िंदगी में सदक़े जारिया कर जाए। सदक़ा आप सब जानते हैं, जारिया जो बाद में भी चलता रहे, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम कर जाए कि वो तो दुनिया से चला गया लेकिन अल्लाह की मखलूक उससे फ़ायदा उठा रही है। जब तक अल्लाह की कोई भी मखलूक फ़ायदा उठाएगी उसको सवाब मिलता रहेगा। अब इसकी दर्जनों मिसाल दी जा सकती हैं। मसलन किसी जगह उसने पानी का निज़ाम करवा दिया, कुआं बनवा दिया, हैडपम्प लगवा दिया, दुनिया से चला गया। अब अल्लाह की जितनी मखलूक, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, इंसान, गाय, भैंस, बकरियां, जो भी उससे पानी पिएगी उसको वहाँ सवाब मिलता रहेगा। या कहीं मस्जिद बनवा दी तो जब तक वो मस्जिद कायम है वहाँ जितनी नमाजें पढ़ी जाएंगी, जितनी जमात आकर ठहरेंगी, जितने गश्त होंगे, जितने बच्चे वहाँ हिफ्स करेंगे, सब का अजर व सवाब उस मस्जिद बनाने वाले को मिलता रहेगा। मदरसा बनवा दिया, पढ़ पढ़ कर बच्चा आलिम हो रहे हैं, मुहद्दिस हो रहे हैं, हाफिज़ हो रहे हैं, और फिर वो अपनी ज़िंदगी में जाकर कुरान की खिदमत कर रहे हैं, वो जितना काम करेंगे उन सब का अजर व सवाब उस आदमी को मिलेगा जिसने मदरसा बनवाया, मदरसे की मदद की। और अकेला मस्जिद बनवाए, अकेला मदरसा बनवाए तो नूर आला नूर, क्या कहने। लेकिन अल्लाह का ख़ज़ाना बहुत बड़ा है, अगर थोड़ा थोड़ा देकर भी सब मिलकर बनवाते हैं तो भी अल्लाह ताला सबको पूरा पूरा अजर देता है, पूरा पूरा। अल्लाह अल्लाह है, बंदे बंदे हैं, थोड़ा करो तो भी अल्लाह कदरदान है। नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत। जिस आदमी ने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके बदले में उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। क्या इस वादे पे यकीन नहीं है आपको? अल्लाह उसका रसूल झूठ बोलेंगे? यकीन है तो, यकीन है तो क्यों नहीं खर्च करते हैं? क्यों हमारे अंदर जज्बा नहीं है मदरसों में, मस्जिदों में, जहाँ भी खैर का काम हो रहा है वहाँ हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा लग जाए? हर एक आदमी को ये नियत होनी चाहिए और आखिरत में वो काम आए। तो नबी इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई कितनी बड़ी, दूसरी हदीस जोड़ो इसके साथ, मम बना लिल्लाही मस्जिदन वलौ कमफहसि क़तातिन। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई कबूतर के, फाख्ता के, गिलगर के, घोंसले के बराबर, तो भी अल्लाह उसको शानदार महल बनाकर देता है। कबूतर का घोंसले में कौन रहेगा भाई, कौन नमाज पढ़ेगा उसमें? इतनी छोटी मस्जिद से क्या होगा,
उसका मतलब यही है कि 10-20-50 आदमियों ने मिलकर मस्जिद बनाई तो एक हिस्से में तो इतनी आएगी, लेकिन अल्लाह उस इतनी को भी पूरे शानदार महल के बदले में बदल कर देगा। ऐसे नहीं कि तूने एक ईंट लगाई थी जन्नत में एक ईंट ले ले, अल्लाह पूरा महल ही देगा। अल्लाह अल्लाह है। हारून रशीद की खिदमत में एक साई लाया, मांगने वाला है, उसने कहा हजरत मुझे 2 दिरहम दे दीजिए, 2 पैसे दे दीजिए, 2 रुपये दे दीजिए। हारून रशीद बादशाह था और नेक था, तो हारून रशीद ने अपने वजीर से कहा बैतुल माल से 2 थैली दीनार की दे दो। दीनार सोने का सिक्का होता है और 1 थैली में कम से कम 100 दीनार आते हैं, इसको 2 थैली दीनार से भरकर दे दो। वो गया खजानची और उसने दे दिया, लेकिन आकर पूछा हजरत समझ में नहीं आया, 2 दिरहम उसने मांगे थे और आपने 2 थैली भरवा कर सोने के सिक्के दिलवाए। तो जो हारून रशीद ने जवाब दिया था वही जवाब है यहाँ, अल्लाह अपने बंदे को इतना क्यों देता है। हारून रशीद ने जवाब दिया उसने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक मांगा, उसमें जितनी हिम्मत थी उतना मांगा और मैं अपने ज़र्फ़ के बराबर खर्च कर रहा हूँ। वो 2 दिरहम मांग रहा है, मेरे लिए 2 दिरहम की कोई हैसियत नहीं है, मैं 2 थैली भरकर उसको दे रहा हूँ। बस ऐसे ही बंदा अपने ज़र्फ़ के मुताबिक खर्च करता है, अल्लाह अपने ज़र्फ़ के मुताबिक देता है। तो सदक़े जारिया, पहली नेकी सदक़े जारिया। अब उसकी मिसाल ये है, कहीं पानी लगवा दिया, कहीं मस्जिद बनवा दी, कहीं मदरसा बनवा दिया, कहीं हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई और खैर खैर का काम करवा दिया। दूसरी चीज़ क्या है जो मरने के बाद जारी रहे, सवाब मिलता रहे, औ इल्मी युन्तफ़ु बिही, या आदमी अपने पीछे ऐसा इल्म छोड़ कर जाए, इल्म जिसको कहते हो तुम मेवाती में इल्म, ऐसा इल्म छोड़ कर जाए जिससे अल्लाह के बंदे फ़ायदे उठाएं। उसके 2 मतलब हैं। एक मौल साहब तैयार हुए देवबंद से पढ़कर आए और उन्होंने किताब लिखी, अब उस किताब को मुसलमान पढ़ते हैं, पढ़कर अपनी ज़िंदगी संवारते हैं, अमल करते हैं, तो जितने दिन तक वो किताब रहेगी और जितने मुसलमान उस किताब को पढ़कर फ़ायदा हासिल करेंगे, अमल करेंगे, उन सब के अमल के बराबर अजर व सवाब किताब लिखने वाले को मिलेगा। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल आमाल लिखकर चले गए, अपनी कब्र में पहुंच गए, अल्लाह उनकी जन्नत कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, फ़ज़ाइल आमाल लिखी, पूरी दुनिया में फ़ज़ाइल आमाल पढ़ी जाती है, फिर लोग अमल करते हैं, कोई दरूद पढ़ता है, कोई इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, कोई अवाबीन पढ़ता है फ़ज़ाइल आमाल सुन सुन के, तो जितने मुतासिर हुए उस किताब को पढ़कर और अमल किया, उन सब के बराबर अजर सवाब तन्हा शेख ज़करिया को मिल रहा है। कोई अंदाज़ा कर सकता है उनकी नेकी का? कोई नहीं करेगा। इमाम बुखारी ने बुखारी लिख दी, जिसको पढ़े बगैर कोई मौलाना नहीं बनता है, अब जितने मौलाना बन रहे हैं सब बुखारी पढ़ रहे हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी में वो जितने नेक काम कर रहे हैं उन सब के बराबर अजर सवाब तन्हा इमाम बुखारी को मिल रहा है। और किसी ने मदरसा कायम कर दिया, बहुत से मौतमिम होते हैं, इखलास के साथ मदरसा बना दिया, अब जितने उलमा वहाँ से तैयार होंगे, हाफिज़ तैयार होंगे, मियाजी तैयार होंगे, पूरी ज़िंदगी में वो जितने काम करेंगे अल्लाह की कसम उस मदरसे के मौतमिम को सवाब मिलेगा। यह सदक़ा जारी। और दूसरी सूरत यह है इल्म नाफे की, कि आदमी ने किताब नहीं लिखी, पढ़ाने बैठ गए, उसका ज़ौक लिखने का नहीं, पढ़ाने बैठ गए, एक हाफजी बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, अपनी ज़िंदगी में 100 हाफिज़ बना दी, दुनिया से चला गया। अब ये 100 हाफिज़ अलग अलग 100 बनाएंगे, फिर वो अलग अलग पैदा करेंगे, तो क़यामत तक जितने हाफिज़ तैयार होंगे उन्होंने जितनी मरतबा कुरान पढ़ा होगा और पढ़ाया होगा उन सब के बराबर अजर सवाब पहले उस्ताद को मिलेगा। तो क्या आप इन मदरसा वालों की अजर सवाब की इंतहा को पहुँच सकते हैं? ये जो मकतब पढ़ा रहे हैं, मस्जिद पढ़ा रहे हैं, मदरसे पढ़ा रहे हैं, इनकी नेकियों की गर्द और गुबार तक भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। इनकी नेकियों की हिर्स करना ही गलत, वो न टूटने वाला एक सिलसिला है, वो कहीं ख़त्म ही नहीं होता। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक एक चीज़ पर हदीस सुना रहा हूँ आप, नबी के सब इरशादात इनका सिलसिला ऐसा होता है। हम लोग इन मुल्लान को कहा है, मजा ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तौहीन करते हैं, अल्लाह की कसम अगर ये गुनाह भी कर रहे हैं, सुनो ध्यान से खुलकर, अगर ये नाजायज़ भी खा रहे हैं, डकार तक नहीं ले रहे हैं, तो भी इनकी मग़फ़िरत की उम्मीद है। क्यों?
क्यों वो सुनो कि जिस मदरसे से ये इनके बच्चे पढ़कर निकलेंगे वो तो इखलास से काम करेंगे, वो तो मुखलिस होंगे, कोई तो मुखलिस तैयार होगा, उसके इखलास की बरकत से इनका भी काम बनेगा। दरमियान में एक लतीफ़ा सुनो, एक मालदार आदमी एक सेठ साहब को तमन्ना हुई कि मैं मुसाफिर खाना बनाऊँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मुसाफिर खाने की तामीर शुरू हो गई, बिल्डिंग उठनी शुरू हो गई, लेकिन उसने अपने दिल में झांक कर देखा तो उसको लगा कि मेरे इस मुसाफिर खाने के बनाने में नीयत ठीक नहीं है, मेरे दिल में जज्बा है कि मेरी शोहरत होगी, लोग तारीफ़ करेंगे, वाह वाह होगी, उसका ऐसा लगा। तो फौरन अपने हजरत के पास चला गया, अपने शेख के पास चला गया, इसलिए कोई बड़ा होना ज़रूरी है, इसलिए अपना कोई पीर बनाना ज़रूरी है ताकि आदमी अपनी बीमारी तो रखे वहाँ जाके, और तुम सब के सब खुद ही पीर हो, तुम्हारा कोई रहबर नहीं। पीर के एक माना आते हैं बुढ़े, तुम सब बुढ़े ही हो, और पीर के एक माना रहबर का आते हैं। तो हर आदमी को चाहिए कि अपना एक रहबर बनाए, एक मुशीर बनाए जिससे पूछ पूछ कर वो चले। अपने अंदर कोई ऐब महसूस करता है तो फौरन जाकर मशवरा करे, हजरत मेरे अंदर ये ऐब है, ये कैसे निकल सकता है। तो वो चले गए अपने हजरत के पास और कहने लगे, हजरत मैं मुसाफिर खाना बना रहा हूँ लेकिन जब अपनी नीयत टटोलता हूँ तो नीयत में खोट आता है, ऐसा लगता है कि शोहरत के लिए बना रहा हूँ, तारीफ़ के लिए बना रहा हूँ। हजरत ने कहा जाओ करते रहो काम, जवाब नहीं दे, जाओ जाओ काम करो, बनाओ जो तुम बना रहे हो बना करो। चला गया बेचारा, 10-20 दिन और काम किया, उसने पैसा लगाया, लेकिन जो बेचैन होता है उसको तो ठीक नहीं लगती, फिर परेशान हुआ कि बिना वजह पैसा खर्च हो रहा है, फिर अपनी नीयत को टटोलता है, परेशान होकर हजरत के पास आया कि हजरत पैसा भी खर्च हो रहा है, मुसाफिर खाना बन तो रहा है लेकिन ऐसा लगता है शायद कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा, नीयत ही ठीक नहीं मेरी। हजरत ने फिर डांट दी, जाओ काम करते रहो, मैं कह रहा हूँ करते रहो। चला गया, फिर काम कर रहा, फिर बेचैनी हुई, फिर हजरत के पास आया तीसरी मरतबा। अब हजरत ने फरमाया बनाते रहो, मुकम्मल करो, अगर तेरे इस बनाने में इखलास नहीं भी है, तू रियाकारी के लिए बना रहा है, शोहरत के लिए बना रहा है, लेकिन जो मुसाफिर इस मुसाफिर खाने में आके ठहरेंगे उनको आराम मिलेगा और वो खुश होकर जो तुझे दुआ देंगे वो तो इखलास वाली होगी, उससे तेरा काम बन जाएगा। वो मुसाफिर जो खुश होंगे उससे तेरा काम बन जाएगा, और किसी को खुश कर देना भी ऐसी नेकी है जो जन्नत को वाजिब करती है। नबी ने इरशाद फरमाया इन्न मिन मुजिबातिल मग़फिरति इदखालुका सुरूरा अला अखीकल मुस्लिम। जन्नत को वाजिब करने वाली चीज़ों में से है किसी मुसलमान के दिल को खुश कर देना। यह हदीस, यहीं से मैं कह रहा हूँ ये मदरसा पढ़ाने वालों को, काम करने वालों को, अगर इखलास नहीं भी है, मेरा कहने की मंशा ही नहीं तुम इखलास रुखसत कर देना आज के बाद, डरो, अल्लाह से माफ़िया मांगो, इखलास पैदा करने की कोशिश करो, लेकिन काम से जुड़े रहो। खुदा न खास्ता अगर नीयत में कोई खोट भी है तो जो बच्चे आपकी तरबियत से तालीम से तैयार होंगे कभी खुश होकर जो आपको दुआ देंगे वो इखलास पर होंगे, उससे इंशाल्लाह आपकी मंजिल पार हो जाएगी। तो सदक़े जारिया एक नेकी है जिसका सवाब पहुँचता रहता है, दूसरी नेकी इल्म नाफ़े, और तीसरी नेकी जो आपको सुनाना चाह रहा हूँ अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अपने पीछे कोई नेक औलाद छोड़ कर गया जो उसके लिए दुआएं खैर करती रहे, ये नेक औलाद भी सदक़े जारिया, ये भी वो अमल है जो सवाब आपको पहुँचता रहेगा। इसको मैंने कहा था अगर औलाद अच्छी पैदा की, दीनदार बनाया, तरबियत बेहतरीन की तो आप अपनी कब्रों में होंगे और आपको सवाब मिल रहा होगा। खुदा ने खास्ता अगर आप अजाब में होंगे तो अजाब उठ जाएगा, अल्लाह उसको दूर कर देगा। क्या वो हदीस नहीं सुनी आपने कि एक आदमी को कब्र में अजाब हो रहा था, बहुत दिनों से पिटाई खा रहा था, जब उसका इंतकाल हुआ था उस वक्त उसकी बीवी हामला थी, उम्मीद से थी, आदमी मर गया, कब्र में चला गया, गुनहगार था, उठा कुटाई पिटाई शुरू हो गई, अदाब शुरू हो गया, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होकर बड़ा हुआ, 4 साल का 5 साल का हुआ, जब तक उसको ऊपर अदाब चल रहा है, जब 5 साल का हो गया माँ ने उसकी उंगली पकड़ी और मकतब में मदरसे में महजत में जो मियाजी साहब थे उसके पास बिठा दिया, भैया अभी पढ़ा दियो कुरान, और मियाजी ने उसको कहा बच्चा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चा उधर से पढ़ता है तोतली ज़बान में, कुछ पढ़ता है कुछ बिगाड़ता है, तो अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया इस बंदे से अजाब को उठा लो,
इसका बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े मुझे अजाब देते हुए शर्म आती है। इसका बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है मस्जिद में और इसका बाप अजाब पा रहा है मुझे अजाब देते हुए शर्म आती है। मेरे भाइयों, इन औलाद की कदर करो, इनको पढ़ाओ लिखाओ तरबियत करो तो ये आपके लिए ज़खीरा है, आपके दर्जात की बुलंदी का सामान है। हदीस में ये भी किस्सा आता है कि एक आदमी के जन्नत में दर्जात बुलंद होते जा रहे हैं, बुलंद होते जा रहे हैं। उसने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये मेरे दर्जे क्यों बुलंद हो रहे हैं? मैं नेकी करकाया था उसकी वजह से चलो इस दर्जे में मुझे पहुँचा दिया गया, लेकिन मैं देखता हूँ रोज़ाना मेरे दर्जात बुलंद किए जा रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, ले इस्तिग़फ़ार वलदिका लक, तेरे ये जो दर्जात बुलंद हो रहे हैं ये इस वजह से कि तेरा बच्चा तेरा बेटा तेरी बेटी तेरे लिए रोज़ाना दुआएं मगफिरत करते हैं, उसकी वजह से मैं तेरा दर्जात बुलंद कर रहा हूँ। ये भी हदीस मौजूद। तो बात को लंबा न करते हुए मैं बहुत मुख्तसर सा खुलासा आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, अपने आप को भी दोज़ख़ से बचाओ और अपने घर वालों को भी दोज़ख़ से बचाओ। और दोज़ख़ से बचाना ये है कि दीन पर पूरी तरह खुद भी कायम हो जाओ, अपने बच्चों को, बीवियों को, बेटियों को, बेटों को, पोतों और नवासों को, सबको दीन पर कायम करो। वक्त की किल्लत का मुझे शिकवा रहेगा, आइंदा फिर कभी अल्लाह ने मुलाकात करवाई तो इंशाल्लाह फिर दीन की कुछ ज़रूरी बातें अपने लिए आपके लिए अर्ज़ करूँगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने मुझे याद किया इसका शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक और सआदत अता फरमाए। वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।